स्वागत है दोस्तों आपका YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल जिज्ञासा में। दोस्तों आपके घर पे कोई इक्विपमेंट है और इसका ये तार जो है वो जल चुका है या तो इसका टॉप खराब हो चुका है, तो उसको अगर आप नए वाले के साथ रिप्लेस करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे वो एकदम आसान तरीके से हम समझेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इसके लिए आपको चाहिए होगा एक नियॉन टेस्टर, जिससे क्या है ये खोलने में आसानी रहेगी। और दोस्तों आपको चाहिए होगा एक कॉम्बिनेशन प्लायर, अगर आपके पास नहीं है तो इसको आप चाकू से भी काट सकते हैं, और चाकू से अगर आप काम कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसको क्या है ये खराबी हो चुका है, तो इस ये वाले पार्ट्स को हम क्या करेंगे पहले निकाल देंगे, और ये खराब है इसलिए इसको साइड में रख देंगे दोस्तों। इसके यहाँ तक तार आते हैं, तो इसको एक बार क्या करेंगे थोड़ा नाप लेंगे यहाँ तक, और उसके बाद में यहाँ से कॉम्बिनेशन प्लायर आप देख रहे हैं कैसे यूज़ कर रहे हैं। अंदर का इंसुलेशन जो रहता है, अंदर का जो तार का इंसुलेशन रहता है वो छीले नहीं, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा दोस्तों। चारों तरफ से इसको ऐसे छील लेंगे धीरे से। देखिए दोस्तों मैंने इसका इंसुलेशन छील दिया है। अब इसके बाद में क्या करेंगे इसमें लगाना है, तो पहले इसको थोड़ा हम खोल देते हैं। इसको मैं एक बार आपको खोल के दिखा देता हूँ। ये अपना पूरा खुल चुका है। इसके बाद में क्या करेंगे दोस्तों, ये जो तार है इसको इस रिंग के अंदर डालना ना भूले, और जो ये रिंग रहती है यहाँ से इसको यहाँ रखना है, तो ये वाला जो पार्ट रहता है पतला वाला ये ऊपर में आए वो आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसके बाद में आप तार को नाप के थोड़ा थोड़ा छील लेंगे। ये जो है इंसुलेशन थोड़ा सा हम इधर से निकाल देंगे। इसी तरह दोस्तों सारे के सारे तार का इंसुलेशन एक बार निकाल देते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं तीनों का मैंने इंसुलेशन जो है ऊपर वाला छील दिया है। अब इस तार को ऐसे थोड़ा कर देंगे, जिससे क्या है इसके जो छोटे छोटे तार रहते हैं वो बिखरे नहीं। ऐसे आप मोड़ लीजिएगा थोड़ा, और आप देख पा रहे हैं ये हो गया है। इसके बाद में ये क्या रहता है दोस्तों, ये जो तार है इसके अंदर से डालनी रहती है ये वाले से, तो क्या है इसको हम थोड़ा सा ढीला कर देते हैं दोस्तों। देख रहे हैं इसको थोड़ा मैंने ढीला कर दिया है। इसके बाद में ये जो तार रहती है इन तीनों तारों को इसके अंदर से गुजार देंगे, और यहाँ तक ले लेंगे, और फिर इसको हम कस देंगे, जिससे क्या होगा ये जो तार है फिसले नहीं। पर इसको हम लास्ट में कसते हैं, इससे पहले हम कनेक्शन करना चालू करेंगे दोस्तों। अब कनेक्शन करने से पहले क्या ध्यान रखेंगे, जो हमारा रेड वायर है वो है हमारा फेस का तार, ठीक है दोस्तों। ये वाला फेस का तार है, ये है अर्थिंग का तार, और ये वाला है न्यूट्रल का तार। तो कहाँ क्या लगाएंगे दोस्तों, अब अर्थिंग तो आपको पता ही है यहाँ लगाना है, तो ग्रीन वाला वायर में आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, वो ऊपर में ही लगाना है, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद में ये रेड और ब्लैक कहाँ लगाना है थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है, तो आप आगे देख लीजिएगा अगर आपको पता नहीं चलता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एल, आप देख रहे हैं दोस्तों ये एल, तो यहाँ पे हमको लगाना है रेड, और जहाँ पे एन लिखा हुआ है वहाँ पे लगाना है ब्लैक। अगर आपको ग्रीन का भी नहीं पता है तो यहाँ अर्थिंग का आप सिंबल देख पा रहे हैं, तो वहाँ पे आप लगा दीजिएगा ग्रीन। तो चलिए सबसे पहले लगा देते हैं हम ग्रीन को ऊपर में। आप देख पा रहे हैं हमारा अर्थिंग भी कनेक्ट हो चुका है। अब ये वाला जो रेड है इसको हम लगा देते हैं यहाँ पे जहाँ पे हमारा एल लिखा हुआ था। चलिए हमारा दोस्तों ये रेड वायर भी यहाँ पे लग चुका है, रेड वायर का भी हो गया। अब हम ये जो ब्लैक वाला वायर है इसको यहाँ लगा देते हैं दोस्तों, थोड़ा इसका जो बिखर गया है इसको थोड़ा सही करके इसको यहाँ लगा देते हैं। यहाँ पे ब्लैक भी लग चुका है, आप देख पा रहे हैं तीनों के तीनों, तीनों के तीनों के कनेक्शन मैंने कर दिए है दोस्तों, 1, 2 और 3। अब इसके बाद में क्या करना रहेगा, ये जो रिंग है इसको यहाँ पे नाप के यहाँ तक लाना है, और ये इसको ऐसे रख देंगे। इसके बाद में इस जो ये वाले जो है इसको हम ये देख पा रहे हैं आप, हमने कस दिया, और उसके बाद में ये जो उसका ढक्कन है इसको हम यहाँ पे लगा देंगे। टॉप तैयार हो चुका है, आप इसको जहाँ पे भी चाहे जो भी इक्विपमेंट में चाहे लगा सकते हैं।
चलिए फिर दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसे लगी आप मुझे लाइक या कमेंट करके बता सकते हैं।